दिल मूवी आई थी और बड़ी फेमस मूवी थी आमिर खान और माधुरी दीक्षित की, और उसका एक बड़ा फेमस गाना हुआ था कि मुझे, मैं गा नहीं सकती, मेरी आवाज़ बहुत बुरी है, मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए। तो आई एम श्योर कि आपका वही हाल है क्योंकि तभी आपने इस मेरे इस वीडियो को क्लिक किया है। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ मनीषा कौशिक, आपकी साइकिक गाइड, एंड आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, अ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ वास्तु फंक्शन कंसल्टेंट। ये सवाल बहुत कॉमन है, और जिस तरीके से स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी में बढ़ता जा रहा है तो हम सबकी नींद जो है ना वो कम 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 होती जा रही है। पर ऐसे बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हाउ कम यू आर ऑलवेज एनर्जेटिक, कि क्या आपको नींद आती है? तो मुझे सच में, टच वुड, बहुत अच्छी नींद आती है। तो वो क्यों, कुछ रीजंस हैं उसके कि स्ट्रेस देखिए हम सबकी लाइफ में है, स्पेशली जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में ग्रो करते जाते हैं स्ट्रेस ऐड ऑन ही होगा। तो क्या आपको सबसे पहली चीज़ एनालाइज करनी है कि आपको नींद ना आने का कारण क्या है, वो स्ट्रेस क्या है आपकी लाइफ में जिसे आप ख़त्म कर सकते हैं, कि जिससे नींद जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर फिर भी कोई रीज़न नहीं है, हम कहते हैं कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे एजुकेशन में हैं, हस्बैंड की जॉब बहुत अच्छी है, मैं खुद अपनी वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा मेंटेन कर रही हूँ, फिर भी नींद नहीं आती, तो आई एम श्योर कि जो टिप्स मैं अभी बताने वाली हूँ ना वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। क्या है वो टिप्स? पहला टिप क्या है आपको, और बड़ा ख़तरनाक टिप है वो, वास्तु की आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, वो कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे कि आपका टेलीविज़न है, म्यूज़िक सिस्टम है, या फिर आपका फ़ोन है, वो आपके बेडरूम में नहीं होना चाहिए। एंड ये अगर आप भी मेरा वीडियो छोड़ के मत चले जाना, बिकॉज़ आई नो कि ये बहुत मुश्किल टिप है। आजकल तो हम अपने अलार्म क्लॉक्स भी फ़ोन पर ही सेट करते हैं, पर ये आपकी नींद का डिस्टर्बिंग एलिमेंट क्यों है? क्योंकि मेरे दोस्त, रात को बहुत से लोग टाइम देखने के लिए, जब नींद नहीं आ रही होती ना, आप टाइम देखने के लिए चेक करोगे उस पर कोई व्हाट्सएप मैसेज है या फेसबुक का अपडेट है या इंस्टाग्राम पे कोई अपडेट है, तो आप खोल के उसे देखने बैठ जाते हो। जो शायद 2 सेकंड में नींद वापस आ सकती थी ना, वो आपने उसमें 5 मिनट का एक अंतराल डाल दिया, एक इंटरवल डाल दिया, और फिर नींद नहीं आएगी। इसलिए जो है वो दिमाग को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाती। अब क्या करें? तो आई थिंक यू शुड बाय एन अलार्म क्लॉक। अगर आपकी बॉडी साइकिल उस तरीके से प्रोग्राम नहीं है कि आप बिना अलार्म क्लॉक के उठ सकें, तो अपनी घड़ी को आप ज़रूर देख सकते हैं कि टाइम क्या हुआ है, उसमें कोई, उसमें उतना डिस्टर्बेंस नहीं होगा। पर जब आप फ़ोन पर समय देखते हैं ना, तो वो आपकी लाइफ में एक, आपकी नींद के फैक्टर को ज़रूर डिस्टर्ब करती है। तो इसलिए क्या करें, ज़्यादा लंबा नहीं, मैं कहूँगी 40 दिन के लिए आप अपने फ़ोन को अपने घर में, अपने रूम से बाहर कहीं पर भी, डाइनिंग टेबल पर छोड़ दीजिए, हॉल में छोड़ दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, पर अपने बेड के साइड टेबल पर रखना छोड़ दीजिए। टिप नंबर 2, घर में कभी भी, कुछ लोग मैंने देखा है कि नाइट लैंप्स जला के सोते हैं, तो कभी भी लाल रंग का लाइट लैंप नहीं जगाना चाहिए। जो हम यूजुअली वॉल्स पे, जो हम 0 वॉट के बल्ब लगाते हैं, वो कभी भी लाल रंग का ना हो। क्यों? क्योंकि लाल रंग के बल्ब जो हैं वो ऑपरेशन थिएटर्स के बाहर लगाए जाते हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि जब वो बत्ती जलेगी तो टेंशन जो है ना वो उतनी ही बरकरार रहेगी। तो दिस इज़ अ वास्तु डिफेक्ट जो बहुत से घरों में मैंने देखा है, कि सिंपल एक बल्ब को ही, एक लाल रंग के बल्ब को ही घर से रिमूव कर देने से नींद जो है वो बेहतर होनी शुरू हो गई, स्ट्रेस जो है आपकी लाइफ में कम होना शुरू हुआ है। तो इसीलिए लाल रंग का नाइट लैम्प नहीं यूज़ करना। अगर आपके घर में लगा है तो आज ही उसे निकाल दीजिए, एंड गो फॉर सम सूदिंग कलर्स, तो जैसे कि इंडिगो है या वाइट आता है या लाइट ग्रीन कलर के आते हैं, तो आप उन जो है वो बल्ब्स को यूज़ कर सकते हैं। पर रेड को गलती से भी नहीं करना, क्योंकि ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में, जो अंदर होता है वो भी स्ट्रेस्ड होता है, और जो बाहर होता है वो उससे ज़्यादा स्ट्रेस्ड होता है। तो सिर्फ आप ही नहीं, आपकी नींद से पूरा घर परेशान होगा। तीसरा टिप क्या है, अपने सिरहाने पानी का ग्लास रखें, अगर तो ढक के रखें, नहीं तो पानी की बॉटल ज़रूर रख के सोएं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उससे जो डर, जो रात को सोते हुए डरावने ख्याल आते हैं या डरावने सपने आते हैं, तो पानी का तत्व रखने से कम हो जाते हैं। क्योंकि आप अगर घबराहट में उठेंगे भी, एंड यू सिप सम वाटर, आप थोड़ा पानी पीते हैं, तो जो घबराहट है ना वो सेटल हो जाती है, बिकॉज हमारा बीपी में जो फ्लक्चुएशन आती हैं वो नॉर्मलाइज होनी शुरू हो जाती हैं। लास्ट टिप, कि इन सबको रख के भी बहुत ज़्यादा असर नहीं हो रहा, तो आई एम गोइंग टू गिव यू अ फंक्शवे मंत्र। फंक्शवे में ये वूलूज आते हैं, दे स्पेल्ड एज WULOU। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इनके बारे में लिखूंगी। तो ये वूलूज, या तो आप सिंगल फ्रूट ले सकते हैं। ये पहले तो होते क्या हैं फंक्शवे में, इन्हें एक चाइनीज़ फ्रूट है जो एक्चुअली अगर तोड़ा जाए तो इसके अंदर बीज भी निकलता है। तो ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, आप किसी भी फंक्शवे स्टोर से ले सकते हैं। नहीं मिलेगा तो हमें फ़ोन कर दीजिएगा, हम आप तक भिजवा देंगे।
ये जो वुलूज हैं आपको अपनी बेड साइड पर, जो आपकी सोने की साइड है, आपको वहाँ पे इन्हें लगाना है। वहाँ पे लगाने से आपकी नींद जो है, नींद और ओवरऑल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। एक और टिप जो बतानी बेहद ज़रूरी है, बिकॉज़ ये जो वीडियो है हमारा वो वास्तु और फंक्शुए से रिलेटेड है, वो ये कि सोते हुए आपका सर जो है वो साउथ की दिशा में होना चाहिए। अगर ये देखा गया है कि हम, क्योंकि नॉर्थ जो है ना वो नॉलेज रिजर्वायर का एरिया है, नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, तो क्या होता है आपके इमोशंस या आपके थॉट्स जो है वो वर्किंग रहते हैं, आपको नींद नहीं आ पाएगी। साउथ कंपैरेटिवली शांत एरिया होता है, इसलिए कहते हैं कि सोते वक्त आपकी जो सर की दिशा है वो साउथ में होनी चाहिए। नहीं है, कई लोगों को मैंने देखा है वो ये कहेंगे कि हमारा बेड ही ऐसे प्लेस्ड है तो हम साउथ में दिशा जो सिर है वो रख के सो ही नहीं सकते। पॉसिबल अगर है तो डोंट वरी अबाउट द हेड रेस्ट, आप साउथ में की तरफ सिर रख कर सोना शुरू कीजिए। शुरू में नींद नहीं आएगी क्योंकि हम सबको एक अपने कंफर्ट लेवल की आदत होती है। जैसे कहते हैं ना कि हम कई बार एक अच्छे होटल में 5 स्टार में रह के भी नींद नहीं आती, क्यों? क्योंकि हमें अपने बेड की कंफर्ट की आदत होती है, अपने कमरे की कंफर्ट की आदत होती है। बट ट्रस्ट मी, इट टेक्स योर ब्रेन सम फ्यू डेज टू बी प्रोग्राम्ड लाइक जस्ट लाइक दैट, कि आपने जैसा आप काम करना शुरू करेंगे आपकी बॉडी, आपका माइंड वैसे ही आपको फॉलो करना शुरू हो जाएगा। तो ट्राई कीजिए ये टिप्स, और कैसे रहे रिजल्ट, फिर भी नींद ना आए ना तो मुझे कॉल कर लेना, बिकॉज आई विल पर्सनली एनालाइज योर हॉरोस्कोप्स कि क्या प्रॉब्लम है, ऐसा कौन सा स्ट्रेस है जो आपकी लाइफ से खत्म नहीं हो रहा जिसके कारण नींद नहीं आ पा रही है। सो अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज दिस इज लॉट्स मोर कमिंग इन। Till then, take care. This is Manisha Kaushik signing off. Bye bye.